आपने बताया कि जो अन्याय की जो व्यवस्था रही उसमें लैंगिक आधार पे अन्याय हुआ या जाति के आधार पे अन्याय हुआ, इस देश के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो आरक्षण है ये इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ये आरक्षण दिया। आरक्षण का मतलब ये है कि जो लोग हाशिए पर रह गए हैं या जो सदियों से अन्याय से पीड़ित रहे इस समाज के अंदर, उनको हाथ पकड़ के आगे लाया जाए। तो जो हाथ पकड़ के आगे लाने की जो व्यवस्था है इसी का नाम आरक्षण है। तो आप जो महिलाओं की तो डबल वहमी है, जो आपने कहा कि उनके साथ लैंगिक आधार पर भी अन्याय होता है और जातीय आधार पर भी अन्याय होता है, ये खाली हिंदू महिलाओं के साथ नहीं होता। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अकेले देश ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम समाज में भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, जो जी, कि इस्लाम में बिल्कुल है नहीं, जाति का कोई नाम, और वहां है भी नहीं असमानता। ऐसी हिंदुस्तान के ईसाई समाज में भी जाति व्यवस्था का पूरा पूरी उसके खम ठोक के चालू है। तो इसमें अगर आप धर्म के आधार कह रहे हैं इसको, आप उनको धर्म के आधार पे नहीं, जाति के ही आधार पे दीजिए उनको भी आरक्षण। धर्म उनका भले ही बदल गया हो लेकिन अभी भी जाति वहां उन औरतों के साथ चली आ रही है। तो उनको एक तो जाति के नाम पे, एक तो धर्म के नाम पे उनका शोषण है अपने ही समाज में, और दूसरा ये कि उनको लिंग के आधार पे भी है और अपने ही धर्म में जाति के भी आधार पे है। तो जो धार्मिक रूप जो धर्म है ईसाई और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए तो ट्रिपल वहमी है। तो आप जो हैं वो हिंदू समाज की एसटी महिलाओं को तो देना चाहते हैं आरक्षण एससी महिलाओं को, लेकिन जो ईसाई और मुस्लिम समाज की एससी और एसटी महिलाएं हैं वहां भी हैं, उसमें आप क्लियर कट लिखा हुआ नहीं होगा आपके जो इस्लाम में या ईसाई धर्म के जो है, लेकिन प्रैक्टिस में वहां हो रहा है ये सब। तो वो चीज को आपको जरूर एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि चर्चा अब आम हो गई है कि भाई ले तो आए, मतलब गुड़ दे दिया, गुड़ तो दिया नहीं महिलाओं को, लेकिन गुड़ की सी बात कह दी कि भाई दूंगा गुड़ मैं तुम्हें, अभी 10-15 साल इंतजार करो। देखिए मामला 10 साल भी नहीं है अरुण जी, मामला है ये, इन्होंने निशिकांत दुबे ने इसको संविधान की 81C धारा और 82 धारा से जोड़ दिया है। उसका सीधा मतलब यही है कि जनगणना होगी जो अंतिम, और उसके साथ जो डिलिमिटेशन होगा जो लेटेस्ट जनगणना होगी, तो लेटेस्ट जनगणना तो हो नहीं पाई 21 से, तो इन्होंने क्या करा कि जो 31 की जनगणना से जोड़ दिया है। अब 31 में जनगणना होगी, 2 साल 2.5 साल उसके एनालिसिस में लगेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन वाले काम करेंगे, तो 2034 का चुनाव भी निकल जाएगा। 10 साल तो ये हो गए, उसके बाद 2039 का जो चुनाव आएगा जब मिलेगा आपको आरक्षण, तो उस समय तक इंतजार करेंगे। आप क्या मतलब कितना बेवकूफ समझते हैं इस देश की महिलाओं को। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।